अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे न्यूज़ चैनल सितारा दक्कन में आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में अक़लियतों के लिए 100% सब्सिडी लोन का पहला मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए बड़ी राहत का सामान हुआ। इस स्कीम के दरख्वास्त गुजार दूसरे मरहले के आगाज़ का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। इब्तदाई मरहले में हुकूमत ने इस स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए थे, जो 19 अगस्त को 10,000 अक़लियती इस्तेफादा कुनिंदगान में फीकस 1,00,000 रुपये चेक की शक्ल में तकसीम किए गए। ये मालियाती मदद एक नेमत साबित हो रही है। इस्तेफादा कुनिंदगान को अपने कारोबार के आगाज़ और इन्हें तरक्की देने में बड़ी मदद मिल रही है। इस स्कीम के तहत लोग सूदी कर्ज के बोझ से भी बच रहे हैं। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने पहले मरहले में इस स्कीम की कामयाब अमल आवरी की सिताइश की। हरीश राव ने अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक़ को इस सिलसिले में तमाम अरकान असम्बली से रब्त रखने का मशवरा दिया। हरीश राव ने यह भी कहा था कि इस स्कीम से पहली मरतबा अक़लियतों को बड़े पैमाने पर फ़ायदा पहुँच रहा है। इत्तला के मुताबिक इस स्कीम के दूसरे मरहले के आगाज़ के लिए तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। इस सिलसिले में चंद दिन पहले एक जायज़ा इजलास भी मुनक़िद हुआ था, जिसमें रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपला ईश्वर, चेयरमैन कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसहाक़ और दीगर अहदेदार ने भी शिरकत की। दरख्वास्त गुजार इस स्कीम के दूसरे मरहले के आगाज़ के मुंतज़िर हैं। हुकूमत से अपील है कि वो इस स्कीम के दूसरे मरहले के आगाज़ की तारीख जल्द से जल्द ऐलान करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल।